Hello everyone, a very good evening to you all. I hope that you all are doing so well in your respective lives. आप सब लोग काफी मेहनत से पढ़ाई कर रहे होंगे और अपने लक्ष्य के प्रति अग्रसर होंगे. आप सब लोग पागलों की तरह, पागलों की भांति अपने लक्ष्य के प्रति पीछे लगे रहे. अल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक बार कहा था कि If the person has to be a genius, then he has to be in a state of madness. अल्बर्ट आइंस्टाइन का सब लोग जानते हैं कि अल्बर्ट आइंस्टाइन तो छोटा मोटा आदमी नहीं था. सबसे बड़ा कहा जाता है कि उसका दिमाग सबसे तेज काम करता. तो उसने कहा था कि कोई भी आदमी अगर उसको जीनियस बनना है तो उसको पागलों की तरह पढ़ना पड़ेगा, पागलों की तरह रहना पड़ेगा. उसको लोग मतलब एक उसको लोग कहने लगे कि ये पगला गया है, पागलपन उसमें छाया हुआ. तभी आप उस जीनियस के लेवल तक पहुंच पाइएगा. बात समझ रहे? उसके लिए एकदम खूब मेहनत करनी है, खूब मेहनत करनी है. थोड़ा सा भी नहीं रुकना है, बिल्कुल भी ये सोचना ही नहीं है कि हमसे नहीं हो पाएगा, हमसे नहीं हो पाएगा. आप बिल्कुल कर सकते हैं. आपको कोई भी ताकत दुनिया की नहीं रोक सकती है आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचने में. बहुत सारे लोग मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा. आप हमारे यहां पढ़ रहे हैं तो मेरा काम है कि पढ़ाने के अलावा आपको मोटिवेट करके रखना, ताकि आप अपने लक्ष्य के प्रति एकदम डेडिकेटेड रहे, डिटरमिंड रहे, डिवोटेड रहे, डिसिप्लिन रहे. लक्ष्य से भटकना नहीं है. देखो, डेविएशन हर कदम पर मिलेगा, हर कदम पर डेविएशन है. आपके कुछ दोस्त होंगे जो मूवी देखने जा रहे होंगे, आपके कुछ दोस्त होंगे जो शॉपिंग करने जा रहे होंगे, कुछ लोग गर्लफ्रेंड को घुमा रहा होगा. आपको लगेगा कि यार ये लोग तो काफी एंजॉय कर रहे हैं, मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा, मैं तो बस पढ़ रहा हूं. सबसे जो बड़ा एंजॉयमेंट है वो आप ही कर रहे हैं. पढ़ाई से बड़ा कोई नशा है? कोई नशा नहीं है पढ़ाई से बड़ा. सबसे ज्यादा इंटॉक्सिकेशन तो इसी में, इस नशे में अगर डूब गए और तैरना शुरू कर दिए, प्रशांत महासागर पार कर जाओ यार, प्रशांत महासागर पार कर जाओ और आगे चल करके तुम ही सफल होगे. तुम्हारा नाम होगा, तुम्हारा डंका बजेगा, नाम शोहरत इज्जत दौलत सब तुम्हारे कदमों में हो, तुम्हारे उन दोस्तों के कदमों में नहीं होगी जो भी सिनेमा देखने जा रहे हैं और जो भी लड़की घुमा रहे हैं. वो लोग तो टेम्पररी एंजॉयमेंट है. अरे उसके लिए फाइट करना है हमें, जो परमानेंट एंजॉयमेंट है, जो परमानेंटली आपको खुश करे, आपको जीवन में एक मुकाम तक पहुंचाए, उसके लिए फाइट करना. फाइट उसके लिए नहीं करना है कि जाकर के आज क्लब में गए, डांस करके लौट गए, ये एंजॉयमेंट क्या है? तो लौट गए फिर कहानी खत्म, अगले दिन से फिर खत्म. रात में एंजॉय करके आ गए, रात में खत्म, रात ही में सब नशा उतर गया. तो अपने लक्ष्य से भटकना नहीं है भाई, बिल्कुल भी नहीं भटकना है. आपने लक्ष्य सेट किया है कि मुझे यहां तक पहुंचना है, मुझे जज बनना है, मुझे लॉयर बनना है बड़ा सुप्रीम कोर्ट का, तो आपको लगे रहना है. एक दिन में रोम वॉज नॉट बिल्ड इन अ डे, सब लोगों ने सुना हो. एक दिन में कुछ भी नहीं होता, उसके लिए सतत प्रयास करना पड़ेगा, कंसिस्टेंटली लगे रहना पड़ेगा एंड सेल्फिशली सेल्फलेस तरीके से काम करना पड़ेगा, तभी आप आगे निकल पाएंगे. सारे रिश्ते नाते भूल जाओ, दोस्त यार सब भूल जाओ. जो रियल में तुम्हारा दोस्त होगा वो समझेगा कि ये अपने लक्ष्य के प्रति लगा हुआ, इसलिए मुझसे बात नहीं कर रहा, इसलिए मेरे बर्थडे पर नहीं आ पाया, इसलिए मेरी शादी में नहीं आ पाया. जो अब और कल के डेट में तुम शादी में जा भी रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, सारे रिश्ते निभा रहे हो, अगर सक्सेसफुल नहीं हुए वो दोस्त तुमको लात मार देगा. यही रियलिटी है. वो गर्लफ्रेंड छोड़ देगी, वो बॉयफ्रेंड छोड़ देगा, सारे रिश्ते टूट जाएंगे, सारे नाते खत्म हो जाएंगे. लेकिन जब सफल हो जाओ, यही सारे लोग जिनको गाली भी दिया होगा ना तुमने, वो लोग बोलेंगे कि भैया कितना बढ़िया गाली आप देते थे,
आपको गाली देने का स्टाइल था। राहुल आकर के बोलेगा भैया आप मेरे मुंह पर रखी थूक दिए थे, बड़ा मजा आया थूके थे तो बहुत मतलब इतना आनंद आया था, ठंडा ठंडा लगा। ठीक है, ये दुनिया ऐसी है जो कि उगते सूरज को प्रणाम करता है, डूबते सूरज को नहीं। तो बी द स्टार, बी द चार, बी द एंथुजियास्टिक पर्सन दैट यू आर, डोंट लूज द एंथुजियाज्म, डोंट लूज द मोटिवेशन, कीप वर्किंग हार्डर, कीप ग्रिंडिंग, कीप ड्रिलिंग एंड द सक्सेस विल बी योर्स, सक्सेस विल बी एट योर फीट, राइट। Just you have to maintain only one thing, that you have to be very punctual with your studies. Consistently पढ़ना है। एक दिन ऐसा नहीं कि 10 घंटे पढ़ लिए और अगले दिन हम पढ़े ही नहीं, ये इसका कोई औचित्य नहीं, कोई मतलब नहीं। कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। हम 6 घंटे ही पढ़ेंगे, हम 5 घंटे ही पढ़ेंगे, लेकिन हम डेली पढ़ेंगे, डेली। और दूसरी बात याद रखो, कोई भी बोलता है कि 15 घंटे पढ़ रहे, तो 15 घंटा कोई नहीं पढ़ता है। 15 घंटा कोई कैसे पढ़ेगा भाई, पागल हो जाएगा 15 घंटे पढ़ेगा। 15 घंटे नहीं पढ़ना, अब 7 ही घंटे पढ़ो ना यार, 8 ही घंटे पढ़ो, बाकी जो 6 घंटे 7 घंटे और भी आप जाके रहते हैं उसमें उसको एनालाइज करिए। खाना खा रहे हैं, हमने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा आर्टिकल 19, तो आर्टिकल 19 खाते खाते भी इंसान सोच लेता है, खेलते खेलते भी आपके दिमाग में चल रहा है, आप मोबाइल देख रहे हैं, फेसबुक चला रहे हैं, दोस्तों से बात कर रहे हैं, आपके दिमाग में चल रहा है कि मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस क्या था, एके गोपालन का केस क्या था, नरगिस मिर्जा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस क्या था, केशवानंद भारती वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस क्या था, सॉरी स्टेट ऑफ केरला का केस क्या था। ठीक है, तो ये इम्प्लाइडली ये इस तरह से आपने इसको इंटरनलाइज कर लिया है कि ये इम्प्लाइडली आपके साथ चल रहा है, आप नहाने भी जा रहे हैं, नहाते नहाते आपके दिमाग में चल रहा है कि हम एविडेंस लॉ में क्या क्या पढ़े, सीपी सीमे रेस जुडिकाटा क्या होता है, डाइंग डिक्लेरेशन एविडेंस लॉ में क्या है, आपके दिमाग में चल रहा है, आप उसमें पढ़ नहीं रहे, इसको भी ये भी तो पढ़ाई ही है ना जो आप एनालाइज कर रहे हैं, आप चलते चलते आप वॉक कर रहे हैं, आप घूम रहे हैं और आप एनालाइज कर रहे हैं, तो ये भी तो पढ़ाई ही है भाई, ये भी पढ़ाई है, ऐसा थोड़ी ना कि पढ़ाई नहीं, ये भी पढ़ाई। तो आप पढ़िए 6-7 घंटे और बाकी 6-7 घंटे एनालाइज करिए, एनालाइज करना बहुत जरूरी है, लोग एनालाइज नहीं करते हैं, वो भूत तो, वो चीज तो आपके दिमाग में आप उसको रोटेट ही नहीं कर रहे, आप दिमाग में परमानेंटली उसको फिक्स ही नहीं कर रहे, दिमाग में उसको फिक्स तभी होगा जब आप उसको एनालाइज करो, एनालिटिकली आपके दिमाग में वो फिक्स होगा। और कोई भी लॉ, मैं आपको पहले भी बताया हूं, रैशनली सोचना है, सबसे पहले ये समझना है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ दैट लॉ, व्हाट इज द ऑब्जेक्ट दैट इट सीक्स टू अचीव, व्हाट इज द रैशनल बिहाइंड द एनैक्टमेंट, व्हाट इज द रैशनल बिहाइंड दैट लेजिस्लेशन। ठीक है, एकदम इंटरलिंक करके पढ़िए, इंटरलिंक करके पढ़िए, जैसे आर्टिकल 21 पढ़ रहे, राइट टू लाइफ, तो आर्टिकल 21 को हम कहां से, जब हम राइट टू लाइफ में राइट टू डाई पढ़ेंगे कि राइट टू लाइफ डज नॉट इंक्लूड राइट टू डाई एंड इट हैज बीन हेल्ड इन द केस ऑफ ज्ञान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, तो हम इसमें यहां पर सेक्शन 309 आईपीसी को भी रिलेट करेंगे कि राइट टू अटेम्प्ट सुसाइड इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड पनिशेबल एज पर द इंडियन पिनल कोड, हम ये भी पढ़ेंगे। इंटरलिंक करना जरूरी है क्योंकि आपके आंसर्स ब्यूटीफाइड, बात समझ रहे हो, तो इसी तरीके से पढ़ना है, लगे रहना है और हल्का सा भी मन में घबराहट आए, कुछ भी लगे कि अब हमसे नहीं हो पाएगा, तो मेरी बातों को याद रखना कि शुरुआत क्यों की थी तुमने, शुरुआत क्यों किया था, उस दिन के जोश को याद रखना, उस दिन के उमंग उल्लास और हर्षोल्लास को याद करना, अपने मम्मी पापा के चेहरों को याद करना कि जिस दिन सफल हो गए उनका छाती चौड़ा हो जाएगा, उनके मस्तिष्क
उनके मस्तक पर जो ललाट होगा, उसका जो टीका हो, तिलक हो, वो खिल जाए। वो मेहनत करना है, मेहनत करने से पीछे नहीं हटना है। और आप एकदम करोगे, मुझे पूरा विश्वास है, और मैं आपके साथ हर कदम पर, तब तक मैं आपको छोड़ूंगा नहीं जब तक आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाऊंगा, राइट। फिर ठीक है, अच्छे से पढ़ाइए, सॉरी अच्छे से पढ़िए, एनालाइज करिए, खूब मेहनत करिए, और फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो। थैंक यू, जय हिंद।